नमस्कार मेरे भाई, मैं अनिल कुमार, आप सभी का बुद्धा संस्था पर स्वागत करता हूँ। और इस ठीक है सुपर टेन की सीरीज, ठीक है आज का क्वेश्चन है मेरे भाई, इस क्वेश्चन इस क्लास में यानी कि इस सीरीज में हम जो ज़्यादातर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वो, और प्लस अपडेटेड क्वेश्चन को लेकर आते हैं। ठीक है, हमारा मकसद ये है जिससे कि आपकी 5-10 मिनट में आपको कुछ क्वेश्चन मिले और उनका भी रिविजन आपके माइंड में होता चले, और 5-10 मिनट आप ऐसे ही वीडियोज़ को देख लेते हैं, पता भी नहीं चलती है और आपके दिमाग में सवाल भी पहुँचते हैं। ठीक है, देखिए, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है परंतु उसे लगाने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। ये मान के चलो पहले आय थी x, अब हो गई जी x प्लस 5 लाख। अब आयकर कितना हो गया जी, आयकर पहले 12% था, यानी कि पहले 12% कर देना पड़ रहा था, अब देना पड़ रहा 10%। अब जो है 10/100 कर सकते हैं हम, और यहाँ जी 12/100, तो ये पहले के मुकाबले अब कितना जी 10,000 आयकर अधिक देना। अब भाई यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ से समझो, ये हो जाएगा ये 10 है प्लस 10 की 5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50 लाख, माइनस का 12x, नीचे 100 है तो हम 100 उधर ले, यानी कि एक ये हो गया जी 3 जीरो और 2 जीरो और हमने कितना हो गया जी, ये हो गया 10 लाख हो गया 10 लाख, यानी कि हम कह सकते हैं इस पर हम ये कितना बचा, ये माइनस का 2x, और उधर 10 लाख हम घटाएंगे तो माइनस का 40 लाख निकल कर आए, क्योंकि ये वाली जो टर्म है 10 लाख बैठा, ठीक है ये 10 लाख बैठा। अब यहाँ पर समझिए इससे ये कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी जी, वो 20 लाख निकल कर आई, ठीक है 20 लाख निकल कर आई। तो वो कह रहा है नई आय बताइए, नई आय कितनी होगी, यानी कि बड़ी हुई नई आय जो हो जाएगी, बड़ी हुई आय यानी कि 5 लाख बढ़ा दिए थे, इसमें 5 जोड़ दिए थे, यानी कि अब जो है वो है जी 25 लाख, वो कितना आ गया 25 लाख है, यानी कि नई आय जो है वो बढ़ी हुई आय जो है वो कितनी है जी 25 लाख। ठीक है, एक और सवाल पर आए, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य उसके मूल्य के 10% की दर से कमी होती, यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या, या तो फ्रैक्शन वैल्यू से कर लीजिए या 100 से लगा लीजिए। अगर मैं ये कहूँ 10% का हास हो, ठीक है 10% का हास हो रहा तो हम कह सकते हैं माइनस का 1/3, यानी कि यदि आज 10 है तो कल कितनी हो जाएगी 9, 3 साल की बात करें तो यहाँ पर 3 कर लेंगे, कहा 3 और यहाँ पर 3, यानी कि अगर आज 1000 है तो 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 700। सवाल में कह रहा 3, यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य अब कितना जी, अब दिया 729, यानी कि 3 वर्ष बाद का, तो कह रहा 3 वर्ष पहले का बताना, ये 729, तो 729 का ये 1 गुना, तो यानी कि 3 वर्ष पहले कितना होगा जी, वो 1000 ही मूल्य हो, बात सुन मांगी, ये 100 से आप लगा सकते हो, यानी कि 100 मान के कर सकते हो, यानी कि 3 वर्ष पूर्व ऐसे मान लीजिए 100 था, 10% की कमी करेंगे 90, फिर 90 का एक और 10% 9, फिर 81 का 10% 8.1, तो ये 72.9 निकल कर आया, जबकि वो कह रहा 10% हम कम करते चले तो ये कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू 10 गुना निकल कर आई, क्योंकि पॉइंट है, और 100 की वैल्यू कितनी आएगी 1000। किसी भी तरीके से आप लगा सकते हो सवाल को जैसे आपको सही लगे। किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5% का ह्रास होता, यदि उसका वर्तमान मूल्य कितना जी, ये है जी 20,000, तो वो कह रहा 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या हो, 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। देखिए किसी भी तरीके से आप लगा सकते हो, यानी कि वर्तमान में कितना दिया आज, वर्तमान में दिया वो कह रहा 2 वर्ष बाद, वर्तमान में कितना दिया जी 2 लाख, प्रत्येक वर्ष कितने की कमी हो रही है, 5% की कमी हो रही है प्रत्येक वर्ष, तो 5% की कमी हुई तो 10% कितना हो जाएगा जी 20,000 और 5% 10,000, तो ये कितना हो जाएगा 1,90,000 बचा। ठीक है, अब वो कह रहा फिर से 5%, एक और 5% की फिर से कमी हुई, तो यानी कि 5% कमी होएगी तो 19,000 ये कह देंगे भाई 95,000, तो ये हो गया जी 95,000 5%। अब यहाँ पर कितने की कमी हुई भाई, 0 और 0, ये हो गया 5 और ये हो गया जी 0 और ये हो गया जी 180, यानी कि 180,500, ये हो गया 180,500 2 वर्ष बाद उसका मूल्य हो, या दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हो, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू से, जबकि वो कह रहा 5% का हास होता है, यानी कि 5% इसके बराबर होगा माइनस 1/10, यानी कि 20 से हम कहाँ गए जी, वो 19 पर।
स्क्वायर करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 400 और ये हो जाएगा 361। ठीक है, तो 400 की वैल्यू हम किसके बराबर करेंगे, 20,000 के, 2,00,000 के, एक की वैल्यू हम करेंगे 400 और मल्टीप्लाई 361 करेंगे तो ये हल करके आ जाए। ठीक है, तो ऐसे भी आप सवाल को हल कर सकते हो, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे भाई। एक और सवाल आज का लास्ट क्वेश्चन, एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास हो, यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य जो है वो 32,000 रुपये होगा तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या है, मेज का वर्तमान मूल्य क्या। देखिए, या तो फ्रैक्शन मूल्य से कर लीजिए, यानी कि 20% ह्रास हो रहा प्रत्येक वर्ष, यानी कि 1/5, यानी कि हम कहाँ गए जी, 5 से 4, और 2 वर्ष की बात चल रही है घात, ये कह रहा जी यहाँ से 25 और 25 से हम कहाँ गए, तो ये कह रहा 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य कितना था जी, 32,000, यानी कि 2 वर्ष बाद कहाँ जी, 2 वर्ष बाद 32,000, यानी कि यह है जी 32, ये इसका डबल है 16 × 2 = 32, यानी कि 2,000 गुना। तो भाई 2,000 गुना इसका कितना हो जाएगा, इसमें 2,000 की गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 50। बस सुन भाई, या आप 100 से लगा सकते हो, कैसे, 100 मानिए, 100 का 20% घटाइए, 80 का 20% 16, कितना आया 64, वो कह रहा जी 32,000। अब करेंगे 64, हो गया, एक की वैल्यू 500 और 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, 50। अब किसी भी तरीके से आप कर सकते, ठीक है। तो ये रहे आज के सवाल मेरे भाई, इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको मिस नहीं करने हैं, ठीक है। कंटिन्यू इसी तरीके से हमने परसेंटेज के बहुत पार्ट कर, अब आगे जो हम कल से जो कराएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ज्यादा रिपीटेशन अपडेट क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के, तो ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।